Pivot tables. So, pivot table is one of the widely and it is one of the most important feature of Excel, जो I think हर जगह use होता है. I have used the word slice and dice. So basically, this slice and dices are data, are tables, so that हम नए तरीके से अपने table को बना पाए and अपने data को interpret कर पाए in a better way. And ये feature is very this pivot tables are very very flexible so that we can slice and dice, we can change our data any way we want to so that we can get a better interpretation of it. हम यहाँ पे डेटा जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स दिया हुआ है, रेप नेम्स दिए हुए हैं, आइटम्स दिया हुआ है एंड द टोटल सेल्स दिया हुआ है. सबसे फर्स्ट थिंग हम अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके. जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड कंट्रोल ए प्रेस करो, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा. देन इंसर्ट टैब, यहाँ पे एक पिवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है. सिंपली पिवट टेबल पे क्लिक किया, न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जस्ट लीव इट न्यू वर्कशीट एंड ओके करो. ये यहाँ पे एक जो स्मॉल बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे मेरा पिवट टेबल बनेगा एंड दीज आर द वेरियस कॉलम्स रोज एंड वैल्यूज जो हम अपने आप चेंज कर सकते हैं. नाउ सपोज सिंपली टोटल पे क्लिक किया तो हमारा जो पूरा टोटल सेल है उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया विच इज 196,27.88. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द सेल. बेसिकली जो मेरा टोटल कॉलम है उस पूरे कॉलम का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया. नाउ मुझे चाहिए रीजन वाइज टोटल सेल्स का वैल्यू चाहिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे अपने रीजन वाले वेरिएबल को ड्रैग करके रोज में लेके आएंगे एंड मेरा पूरा रीजन वाइज टोटल सेल्स का वैल्यू आ गया एंड यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया. दिस इज़ वन ऑफ द वे वी कैन इंटरप्रेट द डेटा. और लेट्स से सपोज अब मुझे हर एक रीजन को आइटम वाइज डिवाइड करना है, सो आई कैन जस्ट सिंपली ड्रैग आइटम एंड मैं रीजन के बिलो डालती हूँ. तो मेरा जो डिफरेंट यहाँ पे रीजन्स है सेंट्रल, उसके अंदर जो डिफरेंट आइटम्स है उनका यहाँ पे टोटल सेल का वैल्यू आ गया. ईस्ट, उसके अंदर जितने सारे आइटम्स है उसका वैल्यू आ गया. सो सिंपली आई कैन फॉर्मेट माई डेटा यूजिंग, आई कैन इंटरप्रेट माई डेटा यूजिंग पिवट टेबल. और सपोज मुझे ये आइटम अब नहीं चाहिए इधर, सो आई जस्ट क्लिक ऑन हियर आइटम. अब मुझे आइटम्स चाहिए कॉलम में, तो आई कैन ड्रैग एंड पुट इट ओवर हियर. अब यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा डिफरेंट रीजन्स है उसके अंदर डिफरेंट जो मेरे आइटम्स है उनका टोटल दिया हुआ है. ये मेरा पूरा सेंट्रल रीजन का टोटल सेल्स है, ये मेरा पूरा बाइंडर आइटम का टोटल सेल्स है एंड दिस इज़ द होल टोटल विच आई गॉट इन द बिगनिंग. और हम कैसे इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है. हम क्या कर सकते हैं, एक और वे जिससे हम अपने डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, आइटम को हमने डाला रोज में, रेप नेम्स को हम डालेंगे आइटम्स के अंदर और रीजन को हम डालेंगे फिल्टर्स में. तो अब क्या होगा, यहाँ पे हर एक रीजन का सेंटर वेस्ट ईस्ट हर एक रीजन का यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स मिल रहा है. ये आइटम वाइज मुझे सारा टोटल है दिया हुआ है मेरे पास, हर एक आइटम का डिफरेंट रेप नेम्स के अंदर डिफरेंट ग्रैंड टोटल ऑफ सेल्स दिया हुआ है. यहाँ पे मेरा पूरा सम ऑफ द टेबल दिया, सम ऑफ द कॉलम दिया हुआ है. अब मुझे सिर्फ सेंटर रीजन का सारा डेटा चाहिए, सो आई जस्ट सिंपली जो मेरा यहाँ पे रीजन आया है, जो मेरा फिल्टर आ गया है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ सेंट्रल रीजन का सारा डेटा चाहिए. सेंट्रल वाली रीजन को क्लिक किया, ओके. एंड ये जो मेरा डेटा है दिस इज़ ओनली फॉर दिस ग्रैंड टोटल सिग्निफाइज द टोटल सेल्स इन द सेंट्रल रीजन विच आई हैव डिवाइडेड यूजिंग द आइटम्स एंड ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट रेप नेम्स. तो दिस इज़ वन ऑफ द वे वी कैन यूज़ पिवट टेबल. इसको आप और भी स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं.
सो दैट जैसे भी आपको डेटा को इंटरप्रेट करवाना है यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ दिस. नेक्स्ट फीचर इन पिवट टेबल इज सिंपली वी कैन चेंज. यहाँ पे वी हैव द सम ऑफ टोटल सेल्स. अब मुझे चाहिए कि एक आइटम का कितने बार सेल हुआ, मुझे काउंट चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज़ यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया एंड आई कैन सिंपली सिलेक्ट द काउंट ऑफ टोटल, एवरेज ऑफ टोटल सेल्स, मैक्सिमम टोटल सेल्स, मिनिमम टोटल सेल्स. मुझे चाहिए काउंट ऑफ टोटल सेल्स, तो यहाँ पे मैंने काउंट पे क्लिक किया एंड मेरा डेटा जो समराइज होगा, अब मेरा डेटा आ जाएगा काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर. कि सपोज इफ आई टेक अप स्मिथ, स्मिथ ने सेंट्रल रीजन में बाइंडर का कितना नंबर ऑफ सेल्स किया है वो मुझे मिल जाएगा. सो सी मुझे नंबर, देयर इज टोटल नंबर ऑफ 24 सेल्स इन द सेंट्रल रीजन. दिस इज़ वन ऑफ द वे आई कैन चेंज माई डेटा. चेंज द समराइजिंग वैल्यूज, पहले मुझे मेरे को सम मिल रहा था, अब मुझे क्या मिल रहा है, काउंट, काउंट ऑफ सेल्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन. और वॉट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द कॉलम, रो, कॉलम एंड रो नेम्स ऑल्सो. सम ऑफ आई कैन मेक इट सम और लेट्स से सपोज टोटल सेल्स, सो दैट मेरा डेटा और अच्छे से अब इंटरप्रेट हो सकता है. और इसे कलरफुल बनाने के लिए आई विल सिलेक्ट द इंटायर टेबल. डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे एक पिवट टेबल टूल्स का टैब आ जाएगा व्हेन वी सिलेक्ट द टेबल. एंड डिज़ाइन टैब में वी कैन सिंपली सिलेक्ट डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शंस व्हिच वी हैव टू फॉर्मेट आवर डेटा. दीज आर द वेरियस डिज़ाइन ऑप्शंस. एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज, सपोज मुझे, लेट्स सपोज आई वॉन्ट ऑल द आइटम्स, ऑल द रीजन्स. मेरा ग्रैंड टोटल है 196.27.88. अब सपोज मेरा डेटा, दिस वॉज माई एक्चुअल डेटा, अब सपोज मेरा एक्चुअल डेटा थोड़ा चेंज हो रहा है. लेट्स सपोज ईस्ट रीजन में पेंसिल का सेल बाय जोन्स इज चेंजिंग फ्रॉम 189 टू लेट्स सपोज 300. तो मेरा जो टोटल सेल्स है दैट शुड ऑल्सो चेंज, द ग्रैंड टोटल सेल्स शुड ऑल्सो चेंज. अब जब हम अपने पिवट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इट हैजंट चेंज्ड, अभी भी 196.27 ही है. तो अब इसे चेंज कराने के लिए हमें सिंपली राइट क्लिक करना होगा अपने पिवट टेबल में कहीं भी. यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, रिफ्रेश प्रेस करेंगे एंड मेरा ग्रैंड टोटल का वैल्यू चेंज हो जाएगा. इट हैज़ नाउ बिकम 197.38. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ कि जब हम अपने एक्चुअल टेबल की कोई भी एक वैल्यू को चेंज करते हैं सो वी हैव टू वंस रिफ्रेश आ डेटा. सिंपली राइट क्लिक करके पिवट टेबल में रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा सो दैट हमारा पिवट टेबल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए. सो पिवट टेबल वी कैन जस्ट स्लाइस एंड डाइस आ डेटा इन एनी मैनर सो दैट वी कैन इन अ बेटर वे वी कैन इंटरप्रेट आर डेटा. थैंक यू.